कि हजारों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित सभी राम भक्त है, हमारे कार्यकर्ता है। इतनी बड़ी भीड़ और भीड़ में इकट्ठे हुए के स्वागत के लिए आप सभी ने देखा है, और इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज भी सवेरे सुबह जब रैली में भी यहाँ के स्थानीय हजारों की संख्या में राम भक्त कार्यकर्ता सभी मौजूद थे, एक अलग माहौल, एक केसरिया कहे भगवा कहे, पूरा वातावरण जो है राममय हुआ था। इसके साक्षी हमारे साथ आप भी लोग हैं, और इससे पहले भी हम लोग अयोध्या आए। अयोध्या बहुत ही हमारे लिए एक आत्मीयता का विषय है, या आने का जब सोचते हैं तो बहुत ही एक दिल में एक खुशी की लहर, एक समाधान और एक अलग ही कुछ महसूस होता है, क्योंकि वहां का वाइब्रेशन ही वैसा है। प्रभु रामचंद्र जी के चरणों से, पदस्पर्शों से ये पावन हुई भूमि है। हम सोचें कि अयोध्या में जब उस समय का क्या माहौल होगा जब राम 14 साल वनवास पूरा करके वापस अयोध्या में आए होंगे, तो वहां जब दिवाली जनता ने मनाई होगी, ऐसा माहौल आज हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, गुड़ी तोरण सब जल्लोश दिवाली, खाली ये सोच ही सकते हैं हम लोग। लेकिन 500 साल का इंतजार करने के बाद सभी लोगों को ये सपना लग रहा था कि राम मंदिर सभी लोगों की सोच थी, हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का सपना था, तमाम इस देश के लाखों करोड़ों हिंदुत्ववादी विचार के राम भक्त उनका सपना था। क्योंकि ये अयोध्या जो है, राम मंदिर जो है, ये हिंदुत्व का प्रतीक है, अस्मिता है, और यहां पर जितने भी हमारे देश में हिंदू भाई बहने हैं, विदेश में जरूर आते हैं, और सबकी एक ही सोच थी, सबका एक ही सपना था, सबकी एक ही अपेक्षा थी कि राम मंदिर बन जाए। और हम देख रहे हैं, अभी हम दर्शन लेने के बाद वहां पर हमारे ट्रस्टियों ने हमें कुछ पुरानी जो मंदिर की अवशेष है वो भी दिखाई, और मंदिर निर्माण का काम भी हम देखने गए। पिछली बार भी आए थे, थोड़ा प्लेटफॉर्म जैसा काम था, आज देखा तो खंभे खड़े हो गए, ऊपर का छत भी खड़ा हो रहा है, इतनी तेजी से काम होगा ये कोई भी नहीं सोच सकता था। और आज देखा कि राम मंदिर पूरा होने जा रहा है, ये सबको स्वप्नवत लग रहा था, सपना लग रहा था, लेकिन तमाम राम भक्तों की आशा, अपेक्षा, मंशा, सपना, इस देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काम शुरू हुआ और आगे बढ़ रहा है। और मेरे ख्याल से 2024 जनवरी में मूर्ति स्थापना भी होगी, उसके बाद भी आगे काम चलता रहेगा। वहां हम गर्भगृह में भी गए, एक अलग एक कंपन वहां पर, एक वाइब्रेशन वहां अनुभव करने को मिला, और देखते देखते राम मंदिर का निर्माण आगे बढ़ रहा है। ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात है। इस वक्त का दौरा जो है, इस वक्त ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसमें मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, हमारे यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इनमें पूरा सहयोग कर रहे हैं, और उनकी निगरानी में, देखभाल में इसका निर्माण का काम शुरू हो गया। और इसलिए इस दौरान जो यात्रा है उसमें
अलगपन महसूस होता है। राम मंदिर का निर्माण भी जोर से हो रहा है, हमें प्रभु रामचंद्र जी के आशीर्वाद से धनुष बाण भी मिला है, पार्टी का नाम भी मिला है, और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मैं पहले वक्त यहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी का रामलला का आशीर्वाद लेने पहुंचा। हमारे सभी सहयोगी साथी नेता मंत्रीगण विधायक कार्यकर्ता, ये बहुत ही आज का दिन मेरे जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य का दिन है। इस आज का दर्शन, आज की जो यात्रा है, ये मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगा। इससे पहले भी मैं आता था, नियोजन करने आता था, लेकिन आज हमारे कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा का नियोजन किया है, और यात्रा का नियोजन आप देख रहे हो इतनी शानदार किया है, इतना शानदार किया है कि पूरी तरह एक माहौल जो है इतना बन गया है, पूरी तरह यहाँ पर एक मंगलमय पवित्र वातावरण तैयार हुआ है। और इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद दूंगा और सभी लोगों को धन्यवाद मैं दूंगा। यहाँ पर हमारे साथ आज सब लोग आके दर्शन ले लिया, सबने पूरा हमारा सरकार यहाँ पर आया और मंत्री तो आए, सभी लोग आए, मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी भी आए दर्शन लेके, उनको दिल्ली जाना था। और हमारी यात्रा पूरी तरह अभी शाम को सरयू नदी पर या आरती भी है, और संत महंतों का आशीर्वाद का भी कार्यक्रम है, और इसलिए कई लोगों को इससे थोड़ी एलर्जी भी है और दर्द भी हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, ये राम मंदिर और अयोध्या हमारे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह हमारे आस्था और श्रद्धा का विषय, भावना का विषय है। और आज देख रहे हैं हम लोग इतने जोर में यहाँ विकास के काम हो रहे हैं, योगी जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा, उनके मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को भी धन्यवाद दूंगा, उन्होंने भी समय निकाल कर यहाँ दिल्ली में बैठक होने के बावजूद वो यहाँ पर पहुंचे। और यहाँ का विकास हम देख रहे हैं तो तेजी से यहाँ पर अयोध्या का विकास होगा, राम मंदिर बनेगा, लाखों करोड़ों लोगों को यहाँ इसका अपनी रोजी रोटी में भी फायदा होगा। लेकिन मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि ये यात्रा जो है हमारी अयोध्या यात्रा, यहाँ जो पहुंचे हैं और टीवी पे जो देख रहे हैं, ये लाखों लोगों को तो बहुत ही एक आनंद देने वाली यात्रा है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको कुछ तकलीफ भी होती है, क्योंकि कई लोग जानबूझकर, कई लोगों को हिंदुत्व की एलर्जी रही है, अभी भी हो रही है, क्योंकि आजादी के बाद भी कई लोग जानबूझकर हिंदुत्व का अपमान कर रहे थे, गलत फहमी फैला रहे थे, हिंदू धर्म ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, हिंदुत्व, हिंदू धर्म एक जीवन प्रणाली है, एक हिंदू धर्म में सहिष्णुवाद है, सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाला हमारा हिंदुत्व है। बाबा साहेब ठाकरे जी ने भी कहा है क्या हिंदुत्व है, उनके विचार क्या है वो बताए उन्होंने, और हमारा हिंदुत्व जो है अन्य धर्म का अनादर करने वाला नहीं है और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने वाला। लेकिन कई लोगों को लगता है कि हिंदुत्व हर के घर घर में मन मन में जाएगा, पहुंच जाएगा, तो हमारी राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी, हमारा कारोबार ठप हो जाएगा। ऐसे डर के वजह से आजादी के बाद लगातार ऐसी कोशिश कई लोगों ने की है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि 2014 में जो हिंदुत्व विचार वाली सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में स्थापित हुई, तब फिर हिंदुत्व का जागरण हुआ, मान सम्मान हुआ, अभिमान बढ़ गया,
और इससे पहले हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाबासाहेब ठाकरे जी ने जो अयोध्या के बारे में उनके विचार थे, सोच थे, सोच थी, उन्होंने कहा था कि गर्व से तो हम हिंदू है, ये नारा बाबासाहेब ठाकरे जी ने दिया है और यह हर सब दुनिया जानती है। और ये जानबूझकर ये हमारे विचारों को, विचारधारा को, हमारी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ये है, और जानबूझकर ऐसे मतभेद गुमराह करने वाली बातें लोगों फैलाते हैं, लेकिन लोग अभी समझदार हैं। और इसमें इसीलिए तो हमने जो 2019 में कई लोग कहते हैं, हमें क्या क्या बोलते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन एक भी बात मैं कहूंगा कि जो 2019 में लोगों के दिमाग में, दिल में जो बात थी, जो हम लोगों का मैंडेट था, जनता का मैंडेट था, लोगों की अपेक्षा थी कि महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने सर, क्योंकि साथ में चुनाव लड़े थे हम, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद अपेक्षा लोगों की यह थी कि सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की, लेकिन कुछ स्वार्थ और कुर्सी की लालच में यहां पर गलत कदम उठाया गया, लेकिन हम लोगों ने 8-9 महीने पहले उसको सुधार दिया। जो लोगों की अपेक्षा थी वो हमने वैसी सरकार स्थापित की, और इसीलिए तो आप जानते हो कि जहां जहां हम लोग जाते हैं लोगों का इतना बड़ा प्रतिसाद होता है, लोगों के चेहरे से दिख जाता है क्या है उनके मन की बात, जो थी उनके दिल में जो था वैसी सरकार हमने स्थापित की है। और हम खुलेआम यहां पर आज हमारी दोनों की विचारधारा को लेकर यहां पर अयोध्या में दर्शन के लिए आए हैं, और जो जानबूझ के जो कर रहे हैं उनको तो पहले तो कई लोग कहते थे कि पहले मंदिर फिर सरकार, आप सबको मालूम है मंदिर पहले मंदिर फिर सरकार, लेकिन जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, बाबासाहेब ठाकरे जी ने जिनको दूर रखा था हमेशा, उनके साथ सरकार तो बना दी, मंदिर तो वो मंदिर के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मंदिर के करने के लिए मोदी जी सक्षम है और उन्होंने मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। बाबासाहेब ठाकरे जी का सपना पूरा करने का काम मोदी जी ने किया है। पहले यह भी कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बनाएंगे, वो तारीख नहीं बताएंगे, क्यों, किसके ऊपर आरोप था आप समझते हो, लेकिन मोदी जी ने मंदिर भी बना दिया और तारीख भी बता दिया, तो झूठा कौन साबित हुआ। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि हम यहां से प्रेरणा और ऊर्जा लेकर, जैसे प्रभु रामचंद्र जी ने, देखो उस वक्त का आपको भी पता है, पिताजी को दिया हुआ न दिया हुआ वचन, मतलब किसी ने कहा वनवास आपको भोगना है तो बिना कुछ कहे सुने क्यों क्या नहीं गए 14 साल वनवास, और दूसरी तरफ क्या हुआ आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो लोगों को जबान दी थी, जो बाबासाहेब ठाकरे जी का जो अपने पिताजी की जो उनके जो मंशा थी, अपेक्षा थी, सपना था, उसके खिलाफ जाकर सत्ता की लालच में क्या किया आप जानते हो, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं और आरोप लगाते जाऊं, उसका जवाब हम काम से देंगे, काम शुरू हो चुका है आप जानते हो। आपको खास करके मैं या उत्तर भारत के आप सभी पत्रकार भाइयों को कहता हूं मैं कि पिछले 8-9 महीने में ऐसे निर्णय हम लोगों ने लिए हैं कि पिछले कई सालों में ऐसे निर्णय नहीं हुए थे, क्योंकि हमारी सरकार जनता की सरकार है, हमारी सरकार आम लोगों की है, हमारी सरकार किसानों की है, हमारी सरकार कामगारों की है, हमारी सरकार विद्यार्थी है, महिला है, सभी लोगों की सरकार है, गरीब जनता की सरकार है, रोज कमाता है रोज खाता है उनकी सरकार है, सभी लोगों की सरकार है। और इसलिए हमारी सरकार जो काम कर रही है, आज मैं बताऊंगा कि कुछ लोग कहते थे कि यहाँ पर
किसानों को नुकसान हो रहा है, बेमौसम बारिश हो रही है, नुकसान हो रहा है, और ये अयोध्या में चले गए। लेकिन आपको मैं बताऊंगा, मैं सुबह 7 बजे से मेरे चीफ सेक्रेटरी से लेके विभाग के सभी सेक्रेटरी, सभी कलेक्टर, जहां जहां नुकसान हुआ है उनसे लगातार संपर्क बनाए रखा। मैं कलेक्टर को खुद बोला है, स्पॉट विजिट करो, जाओ वहां पर, किसानों को जहां जहां नुकसान हुआ है वहां तुरंत जाओ और पंचनामे करो कितना किसका नुकसान हुआ है। यह है मेरा काम। मैं ऑफिस में बैठ के या घर में बैठ के आदेश देने वाला मुख्यमंत्री नहीं, मैं फील्ड पर उतर के काम करने वाला मुख्यमंत्री है। आपके पत्रकार मुझे कल पूछ रहे थे, जब मैं ट्रेन में लोगों को विदा करने के लिए आया, बोले मुख्यमंत्री ये अयोध्या में जाने वाले ट्रेन के कार्यकर्ताओं को विदा करके आया। मैं ये ऐसा मुख्यमंत्री है कि जमीन से जुड़ा हुआ है, कार्यकर्ताओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। मैं खाली आदेश देके एयर कंडीशन में बैठने वाला मुख्यमंत्री, घर में बैठने वाला नहीं। और इसलिए आपको मैं बताऊंगा कि आपने जो यहाँ पर कार सेवा में भी, ये हमारा पुराना रिश्ता है अयोध्या से। मुझे याद है कि हमारे धर्मवीर आनंद दिगे जी, हमारे गुरु, उन्होंने भी उस कार सेवा में चांदी की ईंट भेंट की थी, ये भी मुझे मालूम है। हम साथ में और बाला साहब जी का, ठाकरे जी का तो रिश्ता, हमारे सभी लोगों का जो अयोध्या से जो एक रिश्ता है, एक नाता जो है, वो राजनीतिक नहीं, भावनिक, आस्था का विषय, हमारे श्रद्धा का विषय और अस्मिता का विषय। इतना ही मैं आज कहूंगा। और आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतनी बड़ी, देखो थोड़ी सी धक्का मुक्की हो गई आप लोगों की दर, तो कभी मैं छोटा इंटरव्यू दे नहीं पाऊंगा, पा पाया भागते भागते सब। पब्लिक भी बहुत इतनी थी, आप भी जानते हो, कभी यहाँ पर प्रोटोकॉल भी नहीं रहा, वो सब पुलिस भी टेंशन में, सब लोग टेंशन में। मंत्री महोदय बोले ये गाड़ी में बैठो, मैं बोला अरे भाई मैं कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। तो थोड़ा बहुत सभी लोगों को इनकन्वीनियंस हुआ होगा, किसी को थोड़ी बहुत तकलीफ हुई तो क्षमा चाहता हूँ, और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मराठी का बोल तो जरा मराठी बोलत पाहिजे ना, मराठी प्राप्त होऊ दे ना। खरं म्हणजे मी सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो। कालपासून लखनौ विमानतळापासून जे भव्य दिव्य असं स्वागत या ठिकाणी उत्तर भारत आणि अयोध्येतल्या लोकांनी केलं, त्याबद्दल मी सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद यासाठी देतो की अतिशय भगवं माहोल, भगवं वादळ या ठिकाणी पाहायला मिळालं। कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड जोश होता, उत्साह होता, जल्लोष होता आणि भक्ती होती, श्रद्धा होती। यापूर्वी पण मी आलो, यापूर्वी मी नियोजन तयार करायला यायचो, पण आज मला माझ्या कार्यकर्त्यांनी, सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी एवढ्या प्रचंड माहोल इकडे तयार झाला, लोक आले, अयोध्येतले लोक, लखनौमधले लोक, मंत्रीजी स्वतः, योगीजी माझ्याशी स्वतः बोलले, त्यांनी सगळं नियोजन केलं, या सगळ्यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो। अयोध्या आणि राम मंदिर हे आमच्यासाठी राजनैतिक मुद्दा नाही, राजकीय मुद्दा नाही, हा बाळासाहेबांपासूनचा तमाम लाखो करोडो देशवासियांसाठी, राम भक्तांसाठी अस्मितेचा मुद्दा आहे, श्रद्धेचा मुद्दा आहे। आणि हे राम मंदिर आणि अयोध्या हिंदुत्वाचं प्रतीक आहे, आणि म्हणून या ठिकाणी आम्ही यावेळेस आलोय। यावेळेचं वेगळेपण काय, यावेळेचं वेगळेपण म्हणजे आम्ही प्रभू रामचंद्राच्या आशीर्वादाने या ठिकाणी धनुष्यबाण मिळाला, नाव मिळालं, मुख्यमंत्री पद मिळाल्यानंतर पहिल्यांदा मी या ठिकाणी आलो, याचा मला आनंद आहे आणि अभिमान देखील आहे आणि समाधान देखील आहे। सगळ्या हजारो राम भक्तांना मी मनापासून धन्यवाद देतो, त्यांनी उत्स्फूर्त स्वागत केलं, पत्रकारांना देखील मनापासून धन्यवाद देतो की आपण ही मेहनत सगळी घेतली आणि राम मंदिर निर्माणचं जे काम इथे सुरू आहे ते पाहून तर म्हणजे कोणी विश्वास ठेवू शकत नाही की इतक्या वेगाने, स्पीडने या मंदिराचं काम सुरू आहे। हजारो लाखो करोडो लोकांच्या मनात स्वप्न होते, इच्छा होती या अयोध्येमध्ये भव्य दिव्य राम मंदिर झालं पाहिजे, बाळासाहेबांचं स्वप्न होतं, आमच्या इंदुरदेव सम्राट बाळासाहेबांचं की अयोध्येत राम मंदिर व्हावं, 370 कलम हटावं,
मला ते म्हणायचे एक दिवस मला प्रधानमंत्री बनवा, इस देश का एक दिन प्रधानमंत्री बनाओ, मैं राम मंदिर बनाऊंगा और कश्मीर में 370 धारा हटाऊंगा, ये बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, हे त्यांनी सांगितलं होतं। आणि म्हणून या ठिकाणी आज ते स्वप्न पूर्ण होतंय आणि हे पूर्ण स्वप्न करण्याचं काम या देशाचे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहेब करतायत। कश्मीर मधलं मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली गृहमंत्री अमित शाह डॅशिंग गृहमंत्री आहेत अमित शाह, त्यांनी वाटलं होतं तुम्हाला 370 कलम हटेल, हटवलं। आणि म्हणूनच आम्ही जी आमची विचारधारा आहे, विचारधारेबरोबर आम्ही सरकार स्थापन केलंय, या राम मंदिरामध्ये मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली या राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथजी प्रचंड काम करताय, मेहनत करताय आणि म्हणून राम मंदिर पुढे जात आहे। आज आमचे सगळे लोक म्हणजे माझ्यासोबत सगळे मंत्री खासदार आमदार नेते सगळे आले, या राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आले, त्यांना बैठक होती दिल्ली, तरी सुद्धा रामलल्लाचं दर्शन घेतलं त्यांनी आणि तात्काळ ते गेले। हे सगळं ते कशासाठी, एक विचार, एक वैचारिक भावना आहे, श्रद्धा आहे। आणि म्हणून आजची जी यात्रा आहे, राम मंदिराचं काम पाहिल्यानंतर समाधान वाटलं की, आणि काही लोक जाणीवपूर्वक पोटदुखी होते, त्यांना त्रास होतो, पण आमचे विचार ते विचार आम्ही खुल्या विचारधारा पुढे नेणारे लोक आहोत। बाळासाहेबांची विचारधारा, हिंदुत्वाची भूमिका पुढे नेणारं सरकार आम्ही स्थापन केलंय आणि मग आम्ही खुल्याम आलेलो आहे, इथे काही आम्हाला कोणाचा हाड पडतात नाही। मगाशी म्हटल्याप्रमाणे तुम्हाला मी सांगतो परत, मंदिर वही बनाएंगे काय काय आहे ते, सरकार पहिले का मंदिर पहिले, त्याच्यामध्ये मी जात नाही। पण आजची जी अयोध्या यात्रा आहे ही माझ्यासाठी फार, माझ्या आयुष्यातला हा दिवस जो आहे हा सगळ्यात परमोच्च आनंदाचा क्षण आहे, हा मी कधी विसरू शकत नाही। कारण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिल्यांदा ही अयोध्या यात्रा आहे, धनुष्यबाण मिळाल्यानंतर आणि समोर येताना राम मंदिराचं काम सुरू आहे, उत्स्फूर्त असं प्रतिसाद या ठिकाणी मिळतोय। आणि म्हणून मी आपल्या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देईन। काही लोकांना मगाशी मी हिंदीत सांगितलं, पुन्हा मी सांगत नाही, हिंदुत्वाची एलर्जी आणि हिंदुत्वाला बदनाम करण्याचं काम काही लोक करतात, आज सावरकरांचा अपमान करतात, काही लोक मुद्दामून करतात, त्यांना सावरकरांचा अपमान करण्याबरोबर हिंदुत्वाची एलर्जी आहे। हिंदुत्व जर सगळ्यांच्या घराघरात पोहोचलं तर कायमस्वरूपी त्यांचं दुकान बंद होईल, आणि म्हणून ते बंद तर होणारच आहे, कारण 400 वरून 40 वर आले, ज्यांनी मोदींवर आरोप केले, मोदीजींवर ज्यांनी ज्यांनी आरोप केले त्यांची परिस्थिती काय झाली माहित आहे। आता या ठिकाणी लोकशाहीमध्ये आपल्या देशाची जाऊन बदनामी बाहेरच्या देशात काही लोक करतायत मुद्दामून जाणीवपूर्वक, हा खऱ्या अर्थाने एक प्रकारचा देशद्रोह आहे। आपण आपल्या घरामध्ये काही भांडू शकतो कंडू शकतो, पण आपल्या देशाची बदनामी बाहेर जाऊन करणं हे कुठली लोकशाही? आणि म्हणून याचा विचार पूर्ण जनता करतीये। मी पुन्हा एकदा सांगतो की या देशाची अर्थव्यवस्था एवढ्या उंचावर नेण्याचं काम कोणी केलं? या देशाची अर्थव्यवस्था 11 नंबरवरून 5व्या नंबरवर आणली, या देशाचा डंका जगभर वाजवण्याचं काम, या देशाचं नाव जगात रोशन करण्याचं काम कोणी केलं हेही आपण पाहतोय। आणि म्हणून जनता शून्य आहे, या ठिकाणी त्यांना योग्य उत्तर, योग्य धडा नक्की मिळेल। आम्ही आमचं काम करत राहू आणि आम्ही आमचे जे बाळासाहेबांचे विचार, हिंदुत्वाचे विचार जे आहेत हे पुढे नेण्याचं काम आम्ही करत राहू। मी डॉक्टर ते डिग्रीचं सोडा, मी अगोदरच डॉक्टर होतो म्हणून तर मोठं ऑपरेशन केलं नाही, आणि यांना काय ऑपरेशनची गरज नाही लागत, त्यांना छोट्या मोठ्या गोळ्या दिल्या बस। बघा आता पवार साहेब कोठे नेते आहे, परंतु सावरकर आमच्यासाठी हिंदू नेता नाही, आमचं ते दैवत आहे, राज्याचं आणि देशाचं दैवत आहे। त्यांचा अपमान ज्यांनी केला त्यांच्या विरोधामध्ये सावरकर गौरव यात्रा सुरू झाली आहे, त्यांना जनता धडा शिकवणार आहे। आणि बाळासाहेबांनी जेव्हा मणिशंकर अय्यर यांनी सावरकरांचा अपमान केला तेव्हा त्यांना चांगले जोडे हाणण्याचं काम केलं, पण आताचे कोण जे वारस म्हणतायत त्यांनी काय केलं? मूग गिळून गप्प बसले। साधा अधिवेशनामध्ये
सावरकरांचं अभिनंदनाचा प्रस्ताव देखील आणू शकले नाही. हे दुर्दैव आहे. महाराष्ट्राचं त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसतात, त्यांच्या गळ्यात गळा घालतात, त्यांच्या यात्रेत चोडू यात्रे का तोडू यात्रेत जाताय. हे कुठलं हिंदुत्व आहे? आम्ही हे सहन करणार नाही. सहन करणार म्हणजे काय करणार? त्याचा निषेध तरी करण्याची हिंमत आहे का? धाडस आहे का? दाखवा. कसलं रावण राज्य? अरे सर, हा रामाचा अपमान आहे म्हणजे. प्रभू धनुष्यबाण कुणाचा आहे? प्रभू रामचंद्राचा. बरोबर आहे. प्रभू रामचंद्रजी का धनुष्यबाण आहे ना, तो ये उनका अपमान आहे. आणि म्हणून रावण राज्य जे म्हणताय त्यांना मी सांगू इच्छितो, जेव्हा पालघर मध्ये साधू हत्याकांड झालं, मॉब लिंचिंग, त्यावेळेस कुणाचं सरकार होत? एक नेव्हल ऑफिसरला मारलं तेव्हा कुणाचं सरकार होत? त्याचबरोबर राम भक्त हनुमान चाळीसा वाचायला तो रवी राणा आणि नवनीत राणा वाचायला गेला, त्याला 14 दिवस देशद्रोहाचं कलम लावून जेलमध्ये टाकलं, तेव्हा कोणाचं सरकार होत? ज्या दाऊद इब्राहिमने बॉम्बस्फोट केले आणि त्याच्याशी ज्याचा संबंध स्थापित झाला त्याचा तुम्ही राजीनामा नाही मागू शकले. तो कुठला याकूब मेमन बॉम्बस्फोट केले मुंबई, त्याच्या कबरीचं उदात्तीकरण कोणी केलं, तेव्हा कोणाचं सरकार होत? तुमच्याच पत्रकार लोकांना जेलमध्ये मारलं टाकलं, ते माहित आहे ना? लक्षात आहे तुमच्या? फक्त विरोधात बोलले म्हणून धरून आणलं, जेलमध्ये ठोसलं, औरंगजेबाच्या कबरीवर फुलं वाहिली. आणि काय काय केलं? औरंगजेबाच्या कबरीवर फुलं वाहिली. काय? कुणाचं राम राज्य? रावण राज्य कुणाचं? आमचं का त्यांचं? आता परवाच्या दिवशी पालघर मध्ये 2 साधूचे हत्याकांड आपल्या लोकांनी वाचवले. जर आपलं सरकार नसतं ते साधू देखील जीव गमावला असतं त्यांनी. बाकी तर तुम्हाला सगळं माहित आहे कुठे कुठे अतिक्रमण होतं प्रतापगडापासून सगळं. त्यामुळे रावणाचं राज्य जे होत त्या पापाचा घडा भरला आणि मग लोकांनी जनतेने ते हटवलं. अरे भैया तुम आप लोग यहाँ महाराष्ट्र से आए, इधर जरा तुमको भी पूछ लो वो बोलिए हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है. ये महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है करके महाराष्ट्र इनको ही बोल रहा है. सीएम साहब, आपने रावण राज को कहा है, जब अजीत पवार से पूछा गया आपके दौरे के बारे में तो अजीत पवार ने बताया. अरे भैया उसका जन्म जब नहीं हुआ था तब से मैं काम कर रहा हूँ, उसके बारे में क्या बोलूँ मैं? और अजीत पवार जी को क्या बोलूँ? यहाँ आगे फालतूगिरी लगती है उसको. अरे अजीत पवार विरोधी पक्ष के नेता है और उप मुख्यमंत्री रह चुके अजीत पवार, उनको मेरा इतना ही कहना है, अयोध्या यात्रा जो है, ये अयोध्या जो है, राम मंदिर जो है, लाखों करोड़ों हिंदुओं और राम भक्तों की अस्मिता है, ये श्रद्धा है. उसको अगर आप फालतूगिरी कहते हो तो ये राम भक्त आपको बराबर जगह दिखाएंगे. धनुष्य बाण प्रभु रामचंद्र की जी के आशीर्वाद से मिला है, बाळासाहेब ठाकरे जी के आशीर्वाद से मिला है, तमाम जनता के आशीर्वाद से मिला है. हम महाराष्ट्र में समर्पित भाव से हमारे आखिरी सांस तक ये हम महाराष्ट्र की जनता की सेवा करेंगे. एक एक जन पूछो. अरे भैया उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र का भी अलग नहीं है, वो हमारे साथ में खड़े होकर खंडे से खंडा मिलाकर. सुनिए एक मिनट, एक मिनट आपको सुन लीजिए. अभी जो वहाँ पर जो उत्तर भारतीय रहते हैं, जो जो महाराष्ट्र मराठी लोगों को जो सहूलियत मिलती है, वो जो कई सालों से वहाँ उत्तर भारतीय भी रहते हैं, सभी समाज के रहते हैं, वो सब हमारे मुंबई वासी हो गए, महाराष्ट्र वासी हो गए, उनको वो सब मिल रहा है. महाराष्ट्र भवन
के लिए जगह देने के बाद हमने विनती की है इस राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, और उन्होंने सकारात्मक भूमिका ली हुई है और यह जरूर महाराष्ट्र भवन बड़ा बन जाएगा। और ये भी कहूंगा कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र भवन ऐसा हिंदी हो महाविकास आघाडी आता तुम्ही त्यांना विचारलं पाहिजे, आता तुम्ही दिसताय त्यांच्यामध्ये कोण इकडे बोलतोय कोण तिकडे बोलतोय कोण तीन तिकडा काम बिघडा कोण गोळा मारतोय एलर्जी झाली होती ऍसिडिटी हिंदी हिंदी देखिए वो हमारे ऐसे दोस्ती के संबंध है उनके साथ, क्योंकि पहले जब हम उनके साथ थे तो उनको उनकी एलर्जी थी इसलिए उनको हम नहीं मिल पाते, अभी हमारे को कोई रोक टोक नहीं, तो वो अच्छे इंसान है अच्छा काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से नहीं राजनीति कोई मुद्दे पे चर्चा नहीं हुई, लेकिन हमारा भाईचारा है मिलते हैं। हमारे पार्टी की भूमिका स्पष्ट है, हमारी शिवसेना भाजपा की अलायंस है और हमारी विचारधारा एक है, हिंदुत्व की विचारधारा है और राम लल्ला के दर्शन के लिए हम लोग जब आए हैं यहाँ से ऊर्जा प्रेरणा लेकर जाएंगे, हमारे महाराष्ट्र में सुजलाम सुफलाम करेंगे, लोगों की समर्पित भावना से सेवा करेंगे और 2024 में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का भगवा महाराष्ट्र में पूरे बहुमत से लहराएगा। नहीं आज देखिए हमारे स्नेह भोजन पे बुलाया है, आज मैं देख रहा हूँ खुशी है मुझे कि पहले का उत्तर प्रदेश और अभी का उत्तर प्रदेश जमीन आसमान का फर्क था, मेरे साथ मंत्री जी कल गाड़ी में थे, कितने बड़े रास्ते हो गए, कितनी बड़ी रोशनाई हो रही है, इंडस्ट्री यहाँ पर आ रही है, डेवलपमेंट हो रही है, गुंडागर्दी खत्म कर रही है, क्या उनको बोलते हैं बुलडोजर बाबा, उनको डरते हैं गुंडे लोग, अभी गुंडागर्दी खत्म, कानून व्यवस्था बढ़िया है, माता बहने बिंदास घूम सकती है, आम नागरिक बिल्कुल डरता नहीं है और उनका डर जो है उनका खौफ जो है उनका खौफ और उनका डर गुंडागर्दी वालों को है, आम आदमी यहाँ पर आज बहुत ही सुखी है, विकास हो रहा है। धन्यवाद। जय श्री राम। जगद्गुरु परमहंस आचार्य पिता देवेंद्रपुत्री चांगली उनकी तरफ से महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री सन्मान्य एकनाथ जी शिंदे साहब को जोड़ने का धन्यवाद, चांदी का मुकुट और गदा भेंट दे रहे हैं, उनके लिए बहुत जोर जता दिया, ये उत्तर प्रदेश का प्रेम, ये संतोष जनों का प्रेम, महाराष्ट्र के शिवसेना के मुख्यमंत्री सन्मान्य एकनाथ जी शिंदे साहब के साथ है, शिवसेना के साथ है। जय श्री राम।